Hey all beautiful people, this is Siksha and welcome back to my channel. और टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का सब्जेक्ट क्या है. यस, आज का सब्जेक्ट है हेयर्स एंड स्किन. तो विंटर में जैसे कि सभी को हेयर से लेके दो प्रॉब्लम्स ज़रूर होती हैं, या तो आपके बाल बहुत ही स्टिकी और ऑयली हो जाते हैं, या तो बहुत ही ड्राई और डैंड्रफ हो जाती है. तो आज मैं दोनों का सलूशन लेके आई हूँ, क्योंकि मेरे बाल ऐसे मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, बट मेरे जो हेड का स्कल्प का स्किन है वो ऑयली है. और ये स्ट्रेट होने की वजह से, स्मूथ होने की वजह से, सॉफ्ट होने की वजह से और ऑयली होने की वजह से सिर्फ एक ही दिन शैम्पू करने के बाद ये ऑयली से, स्टिकी से और फ्लैट से दिखने लगते हैं. तो बहुत सारे मंथन के बाद मैंने कुछ प्रोडक्ट निकाले हैं जो बहुत हेल्पफुल हैं और मैं उनसे बहुत खुश हूँ. तो मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए मेरी ये सीक्रेट्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं मैं विंटर स्पेशल क्या लेके आई हूँ हेयर के लिए. सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है डैंड्रफ के लिए. तो विंटर में जैसे स्किन ड्राई होती है स्कैल्प की, और जब आप कॉम करते हैं तो बहुत सारी जो स्किन है, रफ स्किन है और जो डेड स्किन है वो निकलती है और डैंड्रफ का फॉर्म ले लेती है. तो डैंड्रफ के लिए ये न्यूरल, जिसे मैंने बहुत ही सर्च करके ढूंढ के निकाला है, जो डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा है. ये एक बॉक्स मेरा खाली हो चुका है और मैं दूसरा बॉक्स भी खोज के ले आई हूँ. तो मुझे इधर बीच थोड़ी सी डैंड्रफ हो रही थी, वैसे तो मुझे डैंड्रफ नहीं है, बट डैंड्रफ होने के कारण मैं परेशान थी, क्योंकि सामने के बाल में आपके डैंड्रफ आते हैं तो बहुत गंदे दिखते हैं. और देखिए जैसे कि इस समय कितने अच्छे हो गए हैं मेरे बाल और कोई डैंड्रफ का निशान नहीं. तो ये शैम्पू आपको मिल जाएगा टारगेट में और वॉलमार्ट में. और अगर आप ये नहीं मिल रहा है तो इसके अलावा आप हेड एंड शोल्डर भी यूज़ कर सकते हैं. चलिए ये रही शैम्पू की बात, अब लेके आती हूँ मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट, नॉट लेस. ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट फॉर डैंड्रफ. ये है एप्पल साइडर विनेगर, जो है रॉ, और ये मिल जाएगा आपको स्प्राउट्स में. ये जो एप्पल साइडर विनेगर है ये मदर इंक्लूडेड है. तो ध्यान दें जब आप ले रहे हैं एप्पल साइडर विनेगर तो उसमें मदर इंक्लूडेड ज़रूर लिखा हो, ठीक है. और इसको आपको डायरेक्ट नहीं यूज़ करना है, देखिए मैंने इसका मिक्सचर बना के रखा है. 30% एप्पल साइडर विनेगर और 70% जो बचा हुआ पार्ट है वो आपको पानी का लेना है, मीन्स वाटर, और उसे आपको ऐसे मिक्स करके रखना है. और इसे आप मिक्स करके ऐसी एरिया में रखें जहां आप शैम्पू करते हो, क्योंकि अगर आप वहाँ नहीं रखते हैं तो आप ज़रूर भूल जाएंगे कि आपको लगाना है. तो करना क्या है, शैम्पू करने के 5 मिनट पहले आपको अपने बालों में, बालों क्या मीन्स आपके जो स्कल्प है, बालों के जो रूट्स हैं वहाँ पे इसे स्प्रे करके हल्के हाथ से अच्छे से मसाज करना है और 5 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है. और आफ्टर 5 मिनट आपको अगर सर्दी है तो बहुत ही हल्के ल्यूक वॉर्म वाटर से शैम्पू कीजिए या बाल धुलिए. अगर समर है तो आराम से ठंडे पानी से धुलिए, क्योंकि बालों को ठंडे पानी से धुलना बहुत ज़रूरी है. अगर आप गर्म पानी से, बहुत गर्म पानी से बालों को शैम्पू करेंगे तो डैंड्रफ होने की पूरी आशंका है. तो इस तरह से बालों को हल्का सा रब करिए और देखिए कमाल. वीकली अगर आप इसे 2 बार करते हैं तो डैंड्रफ का नाम और निशान नहीं रहेगा आपके हेड पे. दूसरा एप्पल साइडर का सेम मिक्सचर, अगर आप होल्ड बालों को होल्ड रखने के लिए कर्लिंग स्प्रे वगैरह यूज़ करते हैं तो भी आप अपने बालों पर इसे स्प्रे करके हल्का हल्का मसाज कर दीजिए और थोड़ी देर बाद बालों को वॉश कर दीजिए. और जो भी आपने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगाए हैं अपने बालों पे वो इन सब से प्रोटेक्ट करता है, ओके. तो ये है मेरा दूसरा प्रोडक्ट. तीसरा प्रोडक्ट में मैं 2 आइटम दिखाऊंगी आपको. ये है डव का ड्राई शैम्पू. दिस इज लाइफ सेवर.
खासकर विंटर में जब बाल बहुत ऑयली हो जाते हैं, जैसे आपको कैप लगाना है, आप कैप लगाने के बाद बाल कैसे स्टिकी से चिपक जाते हैं, और जब आपको कहीं पार्टी में जाना है शाम में और विंटर में शैम्पू करने का भी मन नहीं करता, तो ये आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। करना क्या है कि वैसे तो आप इसे आफ्टर शैम्पू रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर शैम्पू बालों को हल्का सा, बाल जब गीले से रहते हैं तब आपको बालों में इसे अच्छे से रूट के पास स्प्रे कर देना है और हल्के हाथ से ऐसे मसाज कर देना है, और आपके बालों में ऑयल नहीं आएगा जब तक आप बालों को शैम्पू नहीं करते हैं। तो इस तरह से आप बालों को स्प्लिट करके हल्का हल्का बालों पे स्प्रे करने के बाद मसाज कर दीजिए। ठीक है, बाल के ऐसे बाउंसी से लग रहे हैं। सेम अभी आपको मैं इधर करके दिखाती हूँ, हल्का सा बालों को स्प्लिट कीजिए, रूट के पास इसे स्प्रे कीजिए एंड देन बालों पे हल्की सी मसाज कर दीजिए। देखा बाल कैसे बाउंसी से और बहुत ही वॉल्यूमाइज लग रहे हैं, बहुत अच्छा वॉल्यूम दे देता है ये बालों को। सी फिन है। तो ये था मेरा थर्ड ऑप्शन फॉर विंटर। अगर वैसे विंटर हो या समर, समर में भी बालों में ह्यूमिडिटी की वजह से बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, तो आई मस्ट से कि आपके पास एक ड्राई शैम्पू होना ही चाहिए। तो ये भी ड्राई शैम्पू है और ये है आसी का हेड स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम स्प्रे जेल। ये जेल है जो सेम काम करता है, वॉल्यूम देता है, आपको स्प्रे करके इसे भी हल्का हल्का मसाज करना है और काम पे चल लेना है। नेक्स्ट, जिनके बाल कर्ली हैं, कर्ली एंड फ्रीजी हैं, उनके लिए ये गार्नियर का, क्या ये दिख रहा है, यस आई थिंक ये अच्छे से दिख रहा है, तो ये है गार्नियर का एक्टिव फ्रूट प्रोटीन कर्ल नरिशिंग लिव इन ट्रीटमेंट। तो इसमें है ग्लिसरीन एंड कोकोनट ऑयल एयर ड्राई बटर क्रीम। तो इसे करना क्या है, अगर आपने बाल कर्ल किए हैं और आपके बाल बहुत फ्रीजी से और उलझे उलझे से कर्ल लगते हैं, तो इसका थोड़ा सा अमाउंट लीजिए, पहले ओपन करना पड़ता है। हाथों पे थोड़ा सा ऐसे रब कीजिए, उसके बाद इसे बालों पे ऐसे लगा दीजिए। जो आपके कर्ल्स हैं वो बहुत ही स्मूथ और शाइनी दिखेंगे इससे, क्योंकि मैं भी कर्ल करती हूँ तो कभी कभी बहुत बाल बहुत उलझे उलझे से, फंसे फंसे से, फ्रीजी से लगते हैं, तो उससे ये बहुत बेटर काम करता है। अगर आपने ऐसे लगा लिया है ये क्रीम, तो आपके जो कर्ल्स हैं वो बहुत स्मूथ और अच्छे दिखेंगे, राइट। तो ये है एक प्रोडक्ट। नेक्स्ट है एलोवेरा जेल, और ये एलोवेरा जेल आपको वॉलमार्ट और टारगेट में मिल जाएगा, और ये बहुत ही चीप है, आई थिंक इट्स $3.99 मींस $4 के आसपास, $4 या $5 के आसपास इतनी बड़ी बॉटल मिलेगी आपको। एक बॉटल मैंने ख़त्म कर दी है, दूसरी बॉटल मैं ले आई हूँ। तो और ये 100% जेल है, कोई भी कलर एडेड नहीं है इसमें, तो ये किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा आपके बालों को। अगर आपके बालों को डैंड्रफ है, फ्रीजी है, तो बालों में अच्छे से इससे मसाज कीजिए। देखिए आपके बाल यूं हो जाएंगे एकदम बेस्ट। देखा कितने सारे प्रोडक्ट मैंने बालों के लिए खोज निकाले हैं, और मैं सभी यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं 100% श्योर आपको बोल सकती हूँ कि आप भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बाल मेरी ही तरह थोड़े से, बाल नहीं आपके स्कल्प मेरी तरह ऑयली है, और अगर आपके बाल ड्राई हैं और आपके स्कल्प की स्किन ड्राई है, तो मेरे पास एक बहुत ही धांसू प्रोडक्ट है, शिया बटर। क्या मैं इसे दिखा पा रही हूँ, दिस इज शिया बटर,
और शिया बटर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, बहुत तरह के शिया बटर आते हैं। ये मैंने टारगेट से लिया है। और शिया बटर की क्वालिटी क्या है, ये एक्चुअली सैचुरेटेड फैट होता है और थोड़ा सा स्टिकी होता है, पेल सा होता है, और जिससे ये हार्ड फॉर्म में होता है, बट इसे मेल्ट करना थोड़ा सा टफ है। जैसे कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जैसे कुछ चीज़ों में बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं तो एक दो बुराइयाँ ज़रूर होती हैं, उसी तरह से शिया बटर में बहुत सारी खूबियाँ हैं, बट प्रॉब्लम बस एक ही है कि ये बहुत ही स्टिकी है, स्टिकी है, यस, ये बहुत ही स्टिकी है और थोड़ा सा मेल्ट करने में इसे टाइम लगता है। बट आप इसे माइक्रोवेव में मेल्ट कर सकते हैं, गैस पे मेल्ट कर सकते हैं। और इसके यूज़ क्या हैं मैं बताती हूँ आपको। ये सबसे पहले तो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, एक लेयर बनाता है आपकी स्किन पे। तो आप इसको एज अ मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ हेयर स्टाइल अपने बालों पे यूज़ कर सकते हैं, ऑयल में यूज़ कर सकते हैं, इससे आप डाइंग का काम भी कर सकते हैं। जैसे आप अपना हेयर ऑयल कोई बनाना चाहते हैं, कॉम्बिनेशन बना के या मिक्सचर बनाना चाहते हैं, तो आप शिया बटर को यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ नेल की जो क्यूटिकल्स होती हैं, इन्हें मॉइस्चराइज़ करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, सोप बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, डिओड्रेंट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्किन के मॉइस्चराइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं, हेयर ऑयल की तरह यूज़ कर सकते हैं, और इसके बहुत सारे यूज़ हैं। आप इसे कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, बस ये है इसके साथ एक प्रॉब्लम कि थोड़ा सा ये मेल्ट होने में टाइम लेता है। और अगर आपकी स्किन ड्राई है, सुपर ड्राई है, तो मैं ज़रूर बोलूँगी आपसे कि अगर आपने दिन में एक बार इसे अपने स्किन की ऑयलिंग की है, तो आपको दिन में दोबारा किसी भी तरह के ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी भी तरह की क्रीम की ज़रूरत पड़ेगी। बस थोड़ा सा अमाउंट इसका बहुत अच्छे से काम करता है, अ लिटिल गोज अ लॉन्ग। सो थोड़ा सा अमाउंट लगाएं, आपको लगे सब स्टार्टिंग में आपको समझने में टाइम लगेगा कि कितना अमाउंट आपकी स्किन को चाहिए। एक बार आप रेगुलर इसको यूज़ करने लगेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना अमाउंट आपकी स्किन को ज़रूरत है, उस हिसाब से लगाएं। क्योंकि आप ज़रा सा भी इसे ज़्यादा लगाएंगे तो आपकी स्किन थोड़ी सी स्टिकी हो जाएगी। ओके, तो ये था शेयर बटर का कमाल। और मैं दिखाती हूँ, क्योंकि ये प्लास्टिक की बॉटल है, तो मैंने शेयर बटर को इसमें एक ग्लास के बॉटल में करके रखा है, जिससे मैं माइक्रोवेव में इसे मेल्ट कर लेती हूँ और यूज़ करती हूँ। दिस इज सुपर। एंड शिया बटर की क्रीम भी आती है। अगर आप ऑयल के फैन नहीं हैं, स्टिकनेस के फैन नहीं हैं, तो आप ये शिया बटर का मॉइस्चराइज़र भी ले सकते हैं, मॉइस्चराइज़र लोशन। ये दिस वन इज़ आल्सो गुड फॉर स्किन। एंड लास्ट वन, ईस्ट और वेस्ट, कोकोनट ऑयल इज द बेस्ट। ये मैंने कॉस्को से इतना ह्यूज पैक लिया है कोकोनट ऑयल का। ये कर्कलैंड का ऑर्गेनिक वर्जिन कोकोनट ऑयल है। तो देखिए कहाँ से कहाँ आ गए। कोकोनट ऑयल से स्टार्ट की थी हमने अपने बॉडी की ऑयलिंग। मेरी माँ बचपन में कोकोनट ऑयल ही लगाती थी हम लोगों को विंटर में, और या तो मस्टर्ड ऑयल लगाती थी। और उसके बाद आया फैशन, मुझे डव का मॉइस्चराइज़र लगाना है, बॉडी लोशन लगाना है, फिर वैसलीन का लगाना है, फिर विक्टोरिया सीक्रेट का लगाना है। एंड उसके बाद कहाँ आ गए हम, कोकोनट ऑयल पे। तो ईस्ट और वेस्ट और कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट। और मैंने इस कोकोनट ऑयल को सेम वैसे ही बॉक्स में मेल्ट करके रखा है। और अगर आप किसी भी तरह की क्रीम के फ़ैन नहीं हैं, और आप कोई भी तरह का केमिकल वाला क्रीम नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं कोकोनट ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल लेते हैं तो ये चार चांद लगाएगा। और इसे आप बालों में, स्किन पे कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, ये हेल्दी होता है। और यस, शिया बटर के बारे में मैं एक और बात बताना भूल गई। शिया बटर बालों की जो स्प्लिटेंस है उसे भी रोकता है, और उसके साथ साथ स्ट्रेच मार्क में भी हेल्प करता है। तो अगर आपको कहीं मार्क्स हैं या किसी भी तरह के निशान हैं, तो आप उसमें रेगुलर लगा सकते हैं, धीरे धीरे वो निशान जा सकते हैं। तो गर्ल्स,
ये थी मेरी विंटर की हेयर एंड स्किन केयर की नॉलेज. एज फार एज आई नो दीज ऑल प्रोडक्ट्स आर ऑसम. यू कैन बाय, यू कैन ट्राई. और इफ आप ट्राई करते हैं आपको कोई प्रोडक्ट नहीं सूट करता है तो प्लीज़ इग्नोर इट, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि एक ही प्रोडक्ट हर स्किन के लिए सूटेबल हो. इस बात को हमेशा याद रखिएगा. कभी भी कोई भी कहीं भी किसी भी वीडियो में अगर वो बता रहा है कि वो प्रोडक्ट अच्छा है, वो यूज़ कर रहा है, तो उसकी स्किन के लिए वो बेस्ट है. यू कैन गिव अ ट्राई टू इट, बट ये ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए भी अच्छा हो. सो इसी उम्मीद के साथ कि आप इन प्रोडक्ट को ट्राई करेंगे और मुझे ज़रूर बताएंगे कि ये हेल्पफुल निकले या नहीं. मैं चलती हूँ अपने काम पे, और मिलेंगे आपसे मेरे इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, लव यू ऑल, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड स्माइल. La la, bye bye.